बॉलीवुड इंडस्ट्री में आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का दर्जा हासिल है, क्योंकि अपनी फिल्मों को 100% परफेक्ट बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर को एक तरफ लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, वहीं कई लोगों ने ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। लोगों ने फिल्म के बीएफएक्स का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया है, और ऐसे में अफवाहों की माने तो आमिर खान काफी ज्यादा सतर्क हो गए हैं और उन्होंने फिल्म की टीम को एक बार फिर से बीएफएक्स पर काम करने को कहा है। आपको बताते चले, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को 8 नवंबर को रिलीज किया जाना है, और ऐसे में आमिर खान ने टीम को फिल्म के कुछ खास सीन्स के बीएफएक्स पर फिर से काम करने को कहा है। आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर काफी ज्यादा सतर्क बताए जा रहे हैं, और वो किसी भी हाल में अपने फैंस को इस फिल्म के जरिए निराश नहीं होते देख सकते, इसलिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। आपको बताते चले, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट काफी भारी भरकम बताया जा रहा है, और बीएफएक्स और लोकेशन की वजह से का बजट अब 210 करोड़ रुपए बन चुका है। लिहाजा फिल्म को हिट होने के लिए करीब 300 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा, और आमिर खान की ये फिल्म है तो जाहिर सी बात है आंकड़ा उनके लिए पार करना मुश्किल नहीं होगा।